नमस्कार दोस्तों, रेजिस्ट्रेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्रियात्मक नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत पिछले लेक्चर में हम लोगों ने राजकोषीय नीति यानी कि बजटरी पॉलिसी और इसके अंतर्गत जो है बजट के ढांचे, बजट के अर्थ इत्यादि जो है कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम बजट को आगे बढ़ाते हुए उसका एक व्यापक संदर्भ में जो है अध्ययन करने का प्रयास करते हैं और बजट के प्रकार तथा बजट के ढांचे पर चर्चा करते हैं कि बजट में क्या क्या चीज़ें जो है सम्मिलित होती हैं और उसमें क्या क्या मद होते हैं, जैसे राजस्व है, मद है और पूंजीगत मद है, उसके फिर प्रकार इत्यादि चीज़ों को जो हम लोग देखेंगे। और जिससे ये स्पष्ट होगा कि बजट के दायरे क्या होते हैं, बजट का विश्लेषण किस तरीके से जो किया जा सकता है। तो बजट एक बहुत भारत सरकार और प्रत्येक राज्यों के राज्य सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसे सरकार के सभी खर्चों को जो है चलाने के लिए धन की प्राप्ति होती है और किस तरीके से उसका यूज किया जाए जिससे देश का विकास किया जाना संभव हो सकता है। तो इन सभी बातों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बजट बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है, जिससे देश के जो विकास की एक स्थिति को स्पष्ट करने का जो प्रयास किया जाता है। इसके माध्यम से जो है करारोपण भी होता है, जिससे विभिन्न आय वर्ग के लोगों पर उसका जो है प्रभाव भी पड़ता है। तो इन्हीं सब बातों के पृष्ठभूमि में हम लोग सबसे पहले जो बजट के प्रकार को देख लेते हैं कि बजट कितने प्रकार का होता है। तो सामान्यतया बजट चार प्रकार के रूप में जो है विभाजित किया गया है। एक तो परंपरागत बजट, दूसरा है निष्पादन बजट, तीसरा है आउटकम बजट, अगला है शून्याधारित बजट। यद्यपि जब हम बजट पढ़ते हैं तो एक सामान्य संदर्भों में ही जो है बजट पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न जो है मद और प्रकार को देखा जाता है, लेकिन यहां पे बजट के प्रकार को देख लेने से यह पता चलता है कि किस तरीके से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है और कब कब जो है किन किन तकनीक और विधाओं का जो है बजट में प्रयोग किया जाता है, किसको अपनाया जाता है और किन पक्षों पर बल दिया जाता है। इन सभी बातों के कारण से जो है बजट का कुछ प्रकार निकल करके सामने आता है। यद्यपि बजट का जो है 70% से 60% से 70% भाग जो है परंपरागत बजट के रूप में ही होता है, जहां पर सरकार की संपूर्ण प्राप्ति और व्यय पर चर्चा किया जाता है, लेकिन बजट में समय के साथ साथ कुछ पक्षों पर ज्यादा बल दिया जाने लगा, इसलिए बजट का कुछ प्रकार जो है निकल करके सामने आया, जो कि अभी आप लोग देखेंगे। जैसे परंपरागत बजट जो है वो जब हम बजट को सामान्य संदर्भों में पढ़ते हैं कि किसी भी देश की जो है वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की संपूर्ण प्राप्ति एवं व्यय का जो विवरण होता है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में होता है, जैसा कि भारत में कहा गया है, तो वह हम परंपरागत संदर्भ में जो है उसकी परिभाषा देते हैं। इसमें आय और व्यय के पक्षों को जो है सम्मिलित किया जाता है, इसमें उसका परिणाम क्या होगा, किन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, उसका क्रियान्वयन किस स्तर तक हुआ है, इन सभी बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। विशेष करके आय और व्यय के पक्षों का इसमें विश्लेषण किया जाता है। और यह मुख्य रूप से जो है विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के एक जो है माध्यम के रूप में भी जो इसको देखा जाता है। तो ये परंपरागत जो बजट है, और परंपरागत बजट के साथ साथ जो है निष्पादन बजट भी जो है अब प्रस्तुत किया जाने लगा है, जिसके माध्यम से जो है बजट क्रियान्वयन और उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में जो है बातें स्पष्ट होती हैं कि बजट में जो प्रावधान किया गया है उन लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया गया। तो ये निष्पादन बजट उसके साथ में जो प्रस्तुत किया जाता है। तो ये परंपरागत बजट जो है आप लोगों ने समझ लिया होगा कि परंपरागत बजट में जो है बिना किसी तकनीक, बिना किसी विशेष पक्षों पर बल दिए हुए, आय और व्यय के पक्षों पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। किसी भी देश में जो है प्रारंभ में जो है परंपरागत बजट का ही रूप दिखाई पड़ता है, और इसी तरीके से भारत में भी ये दिखाई पड़ता है। निष्पादन बजट परफॉर्मेंस, प्रदर्शन या क्रियान्वयन, यानी कि बजट की एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत जो है बजट
के अंतर्गत जो भी योजनाएं या कार्यक्रम हैं उसका क्रियान्वयन किया जा सके इस पक्ष पर बल दिया जाता है, तो वह जो है वो निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट के रूप में जो है जाना जाता है। इसमें जो भी अपेक्षित लक्ष्य होता है और जो वास्तविक होता है लक्ष्य, उसके बीच में जो है अंतर को कम करने का जो है प्रयास किया जाता है कि ताकि जो भी बातें उसमें कही गई उनमें से ज्यादातर जो है पक्षों का, ज्यादातर भाग का जो है क्रियान्वयन हो सके और उस कार्यान्वयन के माध्यम से आगे आने वाले समय में जो है लक्ष्य को प्राप्त किया जाना संभव हो सके। तो कुल मिलाकर के निष्पादन बजट बजट के विभिन्न पक्षों के क्रियान्वयन पर जो है बल देता है, ऐसी व्यवस्था करता है, प्रावधान करता है जिसे बजट के सभी पक्षों या बजट में निहित जो है कार्यक्रम एवं योजनाओं का अधिक से अधिक क्रियान्वयन हो सके तथा वास्तविक एवं अपेक्षित जो निर्धारण है उसके बीच के अंतर को कम किया जा सके। तो यह कुल मिलाकर के जो भी उसमें प्रावधान किया गया है उसके क्रियान्वयन पक्ष पर बल देता है, क्रियान्वयन पक्ष पर बल देता है और इसे जो है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के रूप में जाना जाता है। अब यहां पे जब क्रियान्वयन होता है तो अब कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई है बजट के क्रियान्वयन से, बजट बजट के जो है इंप्लीमेंटेशन से, यानी कि बजट के क्रियान्वयन से कितने लक्ष्य की पूर्ति हुई है, जब उस लक्ष्यों के आधार पर बजट का निर्धारण किया जाता है तो वो आउटकम बजट जो है होता है, यानी कि अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किए जाने वाले जो है लक्ष्यों के आधार पर जब बजट का निर्माण किया जाता है तो वह आउटकम बजट होता है। इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बजट के क्रियान्वयन के बाद कितना लक्ष्य जो है प्राप्त किया गया है और इसके लिए जो है बजट के साथ में जो है निष्पादन बजट प्रस्तुत किया जाता है जिससे ये पता चलता है कि बजट में कितने लक्ष्यों को जो है प्राप्त किया जाना संभव हुआ है। तो आउटकम बजट ये जो है 2005 ईस्वी से जो है आउटकम बजट प्रयोग में लाया जा रहा है। निष्पादन जो बजट है ये हूपर आयोग जो अमेरिका में बना था और इस हूपर आयोग के जो है रिकमेंडेशन के आधार पर अमेरिका में लागू किया गया था, भारत में भी जो इसे 1968 ईस्वी से जो है लागू किया गया है और अमेरिका में इसे 1951 में ही जो है लागू कर दिया गया था। हूपर जो है वहां पे कमेटी बनी थी, हूपर कमेटी अंग्रेजों का नाम लग रहा है हूपर कमेटी, तो इससे भी स्पष्ट है कि ये भारत का नहीं है बल्कि हूपर कमेटी बनाई गई थी, आयोग बनाया गया था और हूपर कमेटी नहीं बल्कि कमीशन है, हूपर कमीशन है जो है यहाँ पे, इसको हूपर कमीशन आप लोग कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, यानी कि हूपर कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर जो है ये लागू किया गया था और ये 1951 ईस्वी में, जबकि भारत में इसे कब लागू किया गया था 1968 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया था। यानी कि अब 1968 से जो है निष्पादन बजट पर बल दिया जाने लगा कि बजट जो बनाया जा रहा है वो केवल एक वित्तीय वर्ष के बाद समाप्त ही ना हो जाए बल्कि इस बात पर बल दिया जाए कि ज्यादा से ज्यादा बजट के पक्षों का क्रियान्वयन हो सके। जब बजट के क्रियान्वयन होंगे तभी देश का जो विकास होगा, सरकार की आय में वृद्धि होगी और विभिन्न योजनाओं के लिए कार्यक्रमों पर धन खर्च होगा जिससे देश का विकास होगा। तो बेसिकली ये निष्पादन बजट थी और आउट कम बजट 2005 ईस्वी से जो है लागू किया गया। अगला है शून्य आधारित बजट। सामान्य किताबों में जिस तरीके की बातें लिखी गई होती हैं उससे शून्य आधारित बजट स्पष्ट नहीं हो पाता है। कई बार जो है हम लोग प्रयास करते हैं तो शून्य आधारित बजट से तात्पर्य बजट की एक ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश के लिए या किसी भी विभाग के लिए जो बजट बनाया जाता है उसमें पूर्व वर्षों के बजट आवंटन पर ध्यान न देते हुए उस विभाग या उस देश के विभिन्न जो है मदों में जो भी उस वित्तीय वर्ष में जो है आवश्यकताएं और प्राप्तियां होती हैं उसका नए सिरे से जो है विश्लेषण करने के बाद जब बजट बनाया जाता है तो वह शून्य आधारित बजट होता है। जैसे मान के चलिए कि विज्ञान एवं तकनीक या मान के चलिए कोई भी जैसे शिक्षा विभाग हुआ और किसी भी वित्तीय वर्ष में यह सोचा गया कि यहां पर 75 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे खर्च हुआ है पिछले वित्तीय वर्ष में, तो सामान्यतया क्या एक प्रवृत्ति होती है कि 10% इसमें बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो है ये 82.5 करोड़ के जो है बजट के साथ अगली वित्तीय वर्ष के लिए जो है ये बजट इसका बना दिया जाता है। तो हमें इस प्रवृत्ति को छोड़ करके यदि ये देखेंगे कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है कितने जो है
उप विभाग जो है संचालित हैं, और उन उप विभागों के द्वारा हम आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अगर उनके द्वारा जो भी कार्य होने हैं, जो भी प्राप्तियां होनी है, व्यवहारिक और वास्तविक स्तर पर उसका मूल्यांकन करते हुए जब हम बजट का निर्माण करते हैं तो वह शून्य आधारित बजट कहलाता है। यह सामान्यतया किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी मद में व्यय के औचित्य को ध्यान में रखते हुए शून्य आधारित बजट जो बनाया जाता है, ताकि हम वहां पे अनावश्यक और अनर्गल किस्म के व्यय से बच सकें। यह सामान्यतः CSIR यानी कि 1987 में जो है यह CSIR काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च विभाग में जो है इसे लागू किया गया था। तो यह भी एक जो है बजट बनाने और निर्माण करने की एक प्रक्रिया और व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि बजट इस तरीके से होता है, लेकिन बजट जो है में कई बार जो है कुछ विशेष पक्षों पर या कुछ विशेष उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नई नई जो है विधाएं, तकनीक और प्रक्रियाएं शामिल होती रही, जिसके कारण से बजट का एक नया रूप आता रहा और इस रूप में जो है बजट आप लोगों के सामने दिखाई पड़ता है। जैसे सामान्यतः जो बजट बनता है और ये फरवरी माह में जो है, जैसे फरवरी मान लीजिए इस बार का जो है बजट है फरवरी 22 में जो है प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह जो है फरवरी 22 यानी कि यह वित्तीय वर्ष क्या है 21 और 22 ये जो है इसमें प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन ये बजट किसके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है 22 और 23 के लिए, क्योंकि फरवरी में प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह जो है शुरू होगा 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल से जब शुरू होगा तो अगले जो है 31 मार्च 2023 तक होगा, यानी कि वित्तीय वर्ष जो होगा वो 22 और 23 हो जाएगा। तो ये चीजें यहां पर स्पष्ट होती हैं, और इसके लिए बजट जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो 20 में यानी कि 2020 में जो है ये नवंबर से ही जो इसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है, विभिन्न विभागों से जो है उनके मांग पत्र बजट के संदर्भ में जो है मांगा जाता है, और इसको कंपाइल करते हुए जो है बजट का निर्माण किया जाता है, जो कि बजट जाकर के जो है फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इस पर काम होता है, विभिन्न विभागों से मांगा जाता है कि आगामी वित्तीय वर्ष में उसके आय और व्यय, आय व्यय जिसको कहा जाता है, उसके बारे में जो मांग की जाती है, और उसके कंपाइलेशन के बाद ये फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है। फरवरी मार्च में इस पर जो है बहस होता है और 1 अप्रैल से इसको जो है लागू किया जाता है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए। तो यानी कि बजट जो भी प्रक्रियाएं चलती वहां पे हमेशा 3 वित्तीय वर्ष जो है आपस में जो है जुड़े हुए होते हैं, जो कि हमने पिछले भी लेक्चर में जो इस बात का विश्लेषण किया हुआ था। तो ये बातें रही जो है बजट के संदर्भ में। तो उम्मीद करते हैं कि इस बजट के प्रकार के माध्यम से बजट की कुछ व्यापकता को जो समझने में आप लोगों को मदद मिली हुई होगी। अब हम जो है बजट के अंतर्गत जो है कुछ पक्षों का जो है विश्लेषण करेंगे कि बजट में किस किस प्रकार के जो है मद जो है सम्मिलित होते हैं। जो है बजट में जो है दो पक्ष मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं, एक तो प्राप्ति है और दूसरा है जो है व्यय। सार्वजनिक प्राप्ति एवं व्यय। अब प्राप्तियों में जो है राजस्व प्राप्ति, और पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत
राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत जो है प्राप्ति। इसी तरीके से जो है व्यय में अगर देखा जाए तो व्यय में भी जो है दो प्रकार की जो है व्यय है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व जो है प्राप्ति में दो प्रकार के, कर राजस्व की प्राप्ति, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व, अब कर में जो है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। पूंजीगत जो है प्राप्तियों में सार्वजनिक ऋण ऋण योम अग्रिम ऋण योम अग्रिम तथा अगला है जो है पूंजीगत स्वरूप के अन्य प्राप्तियां। पूंजीगत स्वरूप की जो है अन्य प्राप्तियां भी इसमें आएंगी, जिसका स्वरूप जो है समय के अनुसार बदलता रहता है। तो व्यय के अंतर्गत जो है राजस्व व्यय और पूंजीगत जो है व्यय आते हैं। राजस्व व्यय के अंतर्गत जो है ऐसे व्यय जो है आते हैं जिनसे भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है और ना ही सरकार को जो किसी भी प्रकार का जो भुगतान प्राप्त होता है। तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार के विभागों का संचालन किया जाता है, सरकारी विभाग संचालित होते हैं और जो ऋण लिए जाते हैं उसके ब्याज का भुगतान किया जाता है, देश की सीमाओं की और देश की जो है रक्षा पर जो खर्च किए जाते हैं। तो इससे किसी भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है और जब नहीं होता है तो उससे किसी भी प्रकार की कोई प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए राजस्व कहा जाता है, राजस्व उसे कहा जाता है। और पूंजीगत में वही चीजें होती हैं जिससे किसी भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण होता है। जो पूंजीगत जो है व्यय होते हैं उससे भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण होता है और इससे सरकार को भुगतान भी जो है फ्यूचर में प्राप्त होता है। जैसे किसी प्रकार की अगर सड़क का निर्माण हो गया, बंदरगाह का निर्माण हो गया, हवाई अड्डे का निर्माण हो गया, तो इस तरीके से जो किसी ऐसी बिल्डिंग का निर्माण हो गया जिसे दूसरे विभागों को किराए पर दिया जा रहा है, तो वहां से जो है प्राप्तियां होती हैं। तो ये सब जो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत जो है निर्माण होते हैं जिससे भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण होता है, उससे सरकार को भुगतान भी जो है फ्यूचर में जो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की चीजें इसमें जो है सम्मिलित की जाती हैं। अब राजस्व व्यय के अंतर्गत जो है चीजें बताई गई कि विभागों का संचालन हो गया, ऋण हो रक्षा पर जो है किए गए व्यय हो गए, ऋणों का ब्याज हो गया और सब्सिडी का भुगतान जो है इसके अंतर्गत जो है अनुदान जिसको कहा जाता है वो शामिल सहायकी किया जाता है। और पूंजीगत जो है व्यय के अंतर्गत जो है जो ऋण लिया जाता है उस ऋण की वापसी होती है, ऋण जो लिया गया है उस ऋण की जो है वापसी भी तो करना है। तो ये पूंजीगत जो है व्यय के अंतर्गत जो है आते हैं जो है मुख्य रूप से। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। और इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जैसे एनएससी हुआ, एनएससी जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, किसान विकास पत्र होता है, जीपीएफ होता है, पीपीएफ होता है, जीआईएस होता है, ये सारी चीजें जो है इसमें आती है। परंतु इस ये प्राप्ति तो होती है लेकिन सरकार का ये जो है धन या हिस्सा नहीं होता है, इसलिए इसका जो है भुगतान पुनः जो है जिस भी व्यक्ति का होता है उसे करना होता है। ये पूंजीगत के रूप में जो प्राप्त हो जाती हैं उसे पूंजीगत इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राप्तियां होती हैं तो सरकार के द्वारा उसे विभिन्न योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है, लेकिन उसे एक निश्चित समय के बाद जिसका होता है उसे वो भुगतान भी करना पड़ता है। तो प्राप्ति होती है नगद के रूप में और वो सरकार के द्वारा विकास के कार्यों में या अलग अलग क्षेत्रों में जो है खर्च किया जा सकता है। अब योजनागत और गैर योजनागत भी व्यय में इसको जो है विभाजित किया जाता है कि किस तरीके से जो है जैसे केंद्र सरकार के द्वारा जो है राज्य सरकारों को सहायता दिया जा रहा है तो वो जो है
गैर योजनागत जो है व्यय में आ जाता है, और अगर सड़कों पे निर्माण पे खर्च किया जा रहा है, हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, सार्वजनिक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, तो ये जो है चीजें हो जाएंगी पूंजीगत जो है व्यय के जो है अंतर्गत। तो यह कुल मिलाकर के बजट का जो ढांचा और जो है एक दिखाई पड़ता है, जिसके अंतर्गत जो है बजट की समस्त प्राप्ति एवं व्यय का जो है विवरण और विश्लेषण कहीं ना कहीं किया जाता है। अब थोड़ा सा जो है हम इसको वर्तमान समय में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो बजट दो भागों में जो है दिखाई पड़ता है कि एक राजस्व बजट हो जाता है और एक जो है पूंजीगत बजट हो जाता है। जो भी चीजें इसमें विश्लेषित की गई है कहीं ना कहीं बजट इसी के इर्द गिर्द जो है घूमता है। अब जैसे राजस्व बजट है तो उसमें राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय जो सम्मिलित होंगे। अब राजस्व प्राप्ति का तात्पर्य यह है कि सरकार के जो है ऐसे प्राप्तियों से है जिसके बदले सरकार को भुगतान नहीं करना होता है, यानी कि सरकार पर कोई भी देयता नहीं बनती है, क्योंकि वो राजस्व के क्षेत्र में जो है होता है। अब राजस्व के अंतर्गत जो है दो प्रकार के जो है प्राप्तियां होती हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष कर है और अप्रत्यक्ष कर आते हैं, और गैर कर राजस्व के जो है अंतर्गत जो है सामान्य सार्वजनिक इस तरीके की जो चीजें जो है आती हैं, जहां से कुछ जो है सरकार को प्राप्तियां जो है होती हैं। तो थोड़ा सा हम लोग जो है इसको देखने का प्रयास करेंगे और विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, जिससे ये चीजें और क्लियर हो सके जो है आप लोगों के लिए। तो हम इसको जो है ये चीज आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा तो ये एक इमेज बन जाएगा आपके दिमाग में, और इसको अगर सोचेंगे आप लोग तो कभी भी जो है बजट भूलेगा नहीं जो है। अब जैसे कर राजस्व में हमने जो है प्रत्यक्ष कर और दूसरा है जो है अप्रत्यक्ष कर आता है। ये जो है राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत जो है कर राजस्व और गैर कर राजस्व के रूप में जो है दिखाया गया है, गैर कर राजस्व के रूप में दिखाया गया है। तो कर राजस्व के अंतर्गत जो है ऐसे करों को जो है प्रत्यक्ष करों को ऐसे करों में सम्मिलित किया जाता है जो उसी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है जिससे कि जो है उसको भुगतान करना पड़ता है। यानी कि प्रत्यक्ष कर से तात्पर्य ऐसे करों से है जिसे उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जो दूसरे के स्तर पर उसको स्थानांतरित नहीं कर पाता है, यानी कि उसमें कराघात और करापात दोनों उसी व्यक्ति पर होता है। इसमें दो शब्द आते हैं, करापात और कराघात। कराघात और करापात यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है, और करापात यानी कि जिसके द्वारा उसका भुगतान करना पड़ता है। पात मतलब यहां पास शब्द आ रहा है, इसलिए ये जो है पीछे यानी कि बाद में जिस व्यक्ति के ऊपर आता है, यानी कि पहले लगाया जाएगा फिर बाद में उसके व्यक्ति के द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो ये इसके माध्यम से थोड़ा सा याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। जैसे करापात है तो ये पीछे आता है, पहले एक व्यक्ति के ऊपर लगाया जाएगा फिर एक व्यक्ति होता है भुगतान करने वाला। तो अगर दोनों व्यक्ति एक ही है करापात और कराघात, ये प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग है यानी कि लगाया किसी के ऊपर जा रहा है लेकिन वह उसको स्थानांतरित कर दे रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, तो वह जो है करापात हो जाता है, जैसे अप्रत्यक्ष करों में जो है होता है। लेकिन प्रत्यक्ष करों में उन्हीं जो है टैक्सेस को शामिल किए जाते हैं जिसमें जो है करापात और कराघात जो है वो एक ही व्यक्ति के ऊपर होता है, यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है वही व्यक्ति जो है इसमें उसी व्यक्ति के द्वारा भुगतान किया। जैसे इनकम टैक्स है तो डेफिनेटली ये जो इसी श्रेणी में आता है, यानी कि आय प्राप्त वर्ग या व्यक्तियों के ऊपर इसे लगाया जाता है और वही उसका भुगतान करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर या स्तर पर वह इसे हस्तांतरित नहीं कर पाता है। दूसरा जो है अप्रत्यक्ष कर है, इसके अंतर्गत जो है ऐसे टैक्सेस को लगाया जाता है जो लगाया तो किसी व्यक्ति के ऊपर जाता है परंतु वह जो है उस व्यक्ति को स्थानांतरित कर देता है। जैसे इसके अंतर्गत जो है वस्तु एवं सेवा कर, वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष कर के सभी प्रकार के करों को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार के स्तर पर जो है लाके लागू कर दिया गया है। तो यह टैक्स इस तरीके का होता है कि कोई भी वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत जो है पहले जिस व्यक्ति के द्वारा जो है
लिया जाता है उसके ऊपर तो लगाया जाता है, लेकिन वह अंतिम रूप से उपभोक्ता के स्तर पर जो इसे हस्तांतरित कर देता है। अब प्रत्यक्ष करों में केंद्र सरकार के करों में जो है आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सारे कर आते हैं। पूंजी लाभांश कर, लाभ कर और ब्याज करों को सम्मिलित किया जाता है। इसी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत अगर देखा जाए तो राज्य सरकार के स्तर पर जो है कृषि आय पर कर, भू राजस्व कर, व्यवसाय कर, रोजगार कर और पथ कर, जिसे टोल टैक्स के नाम से जाना जाता है, टोल टैक्स सड़कों पर चलने के दौरान लगता है, तो ये जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है आते हैं। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, जिसको वर्तमान समय में जो है एक लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, 1 जुलाई 2017 को इसे जो है लागू कर दिया गया था, 1 जुलाई 2017 को जो है इसे लागू कर दिया गया था जो है इंडिया के स्तर पर, और इसमें कई टैक्स स्लैब बनाए गए हैं जो है, यानी कि एक जीरो का है, 5%, 12%, 18%, 28% के रूप में इसे बनाया गया है, और वो लोगों की आवश्यकता और विलासिता के रूप में अगर वर्गीकृत किया गया है जो है सामानों को, तो ज़्यादा विलासी या गैर आवश्यक वस्तुओं पर जो है 28% या 18% या अति आवश्यक जो चीज़ें जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, कुछ चीज़ों को तो जीरो में रखा गया है, बाकी ज़्यादा को 5 और 12 के जो है टैक्स स्लैब में रखा गया है। तो ये जो है अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत इसे जीएसटी को सम्मिलित किया गया है। राज्यों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो प्रवेश कर, इसी तरीके से वाहन पर कर और परिवहन पर कर, ये सारे जो है अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत आते हैं। विद्युत, विज्ञापन, ये सारी जो है कर जो है इसी में जो है सम्मिलित किए गए हैं। विद्युत कर, विज्ञापन कर और शिक्षा पर भी जो है उपकर जो लगाए जाते हैं, शिक्षा के लिए उपकर जो लगाए जाते हैं, सेस जिसको कहा जाता है, वो सारे जो है राज्य के जो है अंतर्गत, वो राज्य के अंतर्गत जो है अप्रत्यक्ष करों के रूप में आते हैं। तो ये चीजें जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के रूप में आई, जो कि राजस्व के रूप में सरकार की प्राप्ति का एक स्रोत है, जिसपे सरकार की कोई देयता नहीं बनती है, यानी कि इसके बदले सरकार को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के रूप में, गैर कर राजस्व दूसरा है, एक तो ये कर राजस्व के अंतर्गत आ गया, दूसरा है गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व यानी कि सरकार को कुछ ऐसी भी प्राप्तियां होती हैं जो बिना कर के जो है प्राप्त होती हैं, इसके अंतर्गत जो है केंद्र सरकार के जो है सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के निबल अंशदान सम्मिलित होते हैं, या कुछ टकसाल से राजकोषीय जो गतिविधियां होती हैं जिसमें जो है सिक्के या टकसाल में जो छपाई होती है मुद्रा इत्यादि की, उसकी जो है बात की जाती है, तो ये जो है गैर कर के रूप में जो प्राप्त होता है। और राज्यों के स्तर पर जो है विभिन्न जो है प्रतिष्ठान और विभागों की जो कुछ प्राप्तियां होती है उसको सम्मिलित किया जाता है, जैसे वन विभाग हुआ, बिजली विभाग हुआ, सड़कों से जो है सड़क से जो है और सिंचाई से, दुग्ध व्यवसाय से या दुग्ध विभाग के अंतर्गत जो है खान और खनिज खाद से जो है प्राप्तियां होती हैं, ये सारी जो प्राप्तियों को हम किसमें सम्मिलित करते हैं, गैर कर राजस्व के अंतर्गत, राज्य के जो है आय के स्रोत के रूप में। तो ये सभी कर तो नहीं लगाता है, लेकिन वह जो है प्राप्तियां जो है वहां से होती हैं, तो ये गैर कर राजस्व के रूप में जो है इसका वर्गीकरण किया जाता है। अब जो है राजस्व व्यय हो गया, जैसे बजट को हमने बताया कि दो भागों में होता है, एक जो है राजस्व के रूप में बजट और एक पूंजीगत जो है पूंजी खाता या पूंजी बजट के रूप में जो होता है, तो इसमें राजस्व प्राप्तियों में जो है ये चीजें सम्मिलित हुई कर राजस्व और गैर कर राजस्व में। तो इसी तरीके से व्यय जो है आता है कि राजस्व व्यय, अब उसे जो है योजनागत और गैर योजनागत में भी विभाजित किया जाता है, उसी तरीके से लास्ट में जो है पूंजी जो बजट बनता है उसमें भी योजनागत गैर योजनागत हो जाता है। तो यहाँ पर जो है राजस्व व्यय के अंतर्गत जो है अगर देखा जाए तो सरकार के ऐसे व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जिससे किसी भौतिक और जो है वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता, चूंकि भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्ति का जब निर्माण नहीं होता है तो उससे सरकार को किसी प्रकार के प्राप्तियां नहीं होती है। मूलतः जो है राजस्व प्राप्तियों में देश में जो है सामान्य व्यवस्था के संचालन के लिए जो है सरकार के द्वारा जो खर्च को सम्मिलित किया जाता है, यह देश के जो विकास से मुख्य रूप से नहीं जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि यहां से सरकार को कोई प्राप्ति नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार के भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण होता है। मूल रूप से जैसे विभागों को संचालित करने के लिए जो खर्च किए जाते हैं वो राजस्व व्यय में आते हैं, देश में
रक्षा के नाम पर जो खर्च किए जाते हैं, समाज के कमजोर वर्गों को सब्सिडी दिया जाता है, जैसे खाद्यान्न की सब्सिडी है, इसी तरीके से बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सब्सिडी है, सौर ऊर्जा के लिए सब्सिडी दिया जा रहा है, तो इसी तरीके से कई जो क्षेत्रों में अनुदान के काम किए जाते हैं वो भी इसी श्रेणी में जो आता है। जो सरकार ऋण लेती है उस पर ब्याज भी अदा करना पड़ता है, तो ये सारे जो व्यय हैं वो आते हैं राजस्व व्यय में। कुल मिलाकर के राजस्व और पूंजी के अंतर बीच में अंतर इस बात से निकालना है कि जो भी सामान्य व्यवस्था के लिए नाम पर जो खर्च किए जाते हैं वो राजस्व में आएंगे, उससे सरकार को किसी प्रकार का कोई लाभ भविष्य में जो है नहीं होगा, ना किसी प्रकार का भुगतान प्राप्त होगा। तो ये सारी चीजें राजस्व प्राप्ति के अंदर। दूसरा जो पूंजीगत प्राप्ति होगा, जब हम पूंजी बजट के रूप में देखेंगे तो वहां पर जो है सरकार विकास के लिए खर्च करेगी, योजनाओं पर खर्च करेगी, उससे किसी भौतिक वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण होगा, उससे भविष्य में सरकार को कुछ ना कुछ जो है प्राप्ति जो है होगी। तो इस तरीके से जो है राजस्व व्यय के अंतर्गत जो है राजस्व व्यय के अंतर्गत जो है भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। अब इसके अंतर्गत जो है जो तीन चार मद बताया गया है, मूल रूप से जिसमें रक्षा है, ब्याज की अदायगी और सब्सिडी को सम्मिलित किया जाता है और विभागों के संचालन को, तो अब इसमें योजनागत और गैर योजनागत के रूप में भी इसको जो है विभाजित कर दिया जाता है, योजना और गैर योजना। विभागों का जो संचालन हो रहा है, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो व्यय किए जा रहे हैं वो गैर योजना के रूप में आ रहे हैं। इसके अलावा जो है कृषि के लिए, सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो है बनाई जाती हैं, उनके जो विकास के लिए जो है योजनाएं जो है बनाई जाती हैं, तो वो सभी जो है योजनागत जो है राजस्व व्यय के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया जाता है। अब जैसे पूंजी के रूप में जो देखेंगे, पूंजी बजट या जिसे पूंजी खाता भी कहा जाता है, तो इसमें जो है पूंजी के अंतर्गत जो है मूल रूप से यह समझिए कि अगर कर के रूप में नहीं लगाएगा, अगर कर के रूप में प्राप्त हो जाता है कोई कैश या कोई जो धन प्राप्त होता है, धनराशि प्राप्त होती है, तो वो जो है कर राजस्व की श्रेणी में सम्मिलित होगा। लेकिन इसके बदले में अगर कहीं से कोई भी जो है प्राप्ति हो रही है नगद के रूप में, जिसका कि प्रयोग जो है सरकार बजट के, जिसका सरकार जो है पूंजी के रूप में प्रयोग करेगा, पूंजी और धन में यही अंतर होता है कि जब कहीं से कोई धन प्राप्त हो जाता है और उसे विकास के कार्यों में लगा दिया जाता है तो वह पूंजी बन जाता है, तो वह जो है पूंजी की श्रेणी में जो सम्मिलित हो जाता है। अगर वो कर से नगद प्राप्त हो रहा है तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में होगा, जो कि राजस्व प्राप्ति का एक जो है अंश हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो कि गैर कर क्षेत्रों से, यानी कि बिना कर के जो है द्वारा प्राप्त की जा रही हैं और सरकार को उसके बदले भुगतान भी करना फ्यूचर में पड़ रहा है, तो वो पूंजी के रूप में जो है सम्मिलित जो है होंगी। अब पूंजीगत जो है प्राप्ति और पूंजीगत जो व्यय, इसमें जो है सम्मिलित किया जाता है। अब प्राप्तियों में जो है मूल रूप से सार्वजनिक ऋण आएंगे। अब इससे भी जो है धनराशि प्राप्त हो रही नगद रूप में, लेकिन भविष्य में जो है चलकर उस पर कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ेगा, तो इसलिए जो सार्वजनिक ऋण होगा। अब इसके अंतर्गत जो है आंतरिक ऋण आएंगे जो कि आरबीआई के माध्यम से सरकार लेती है। दूसरा जो है इसमें विदेशों से ऋण भी आएगा, जैसे भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न पक्षों से जो है या विभिन्न एजेंसियों से ऋण प्राप्त करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त करता है, वर्ल्ड बैंक से प्राप्त करता है, IMF से प्राप्त करता है। आगे चल करके इस पे भी जो है डिटेल में चर्चा किया जाएगा इसके स्वरूप और कार्यों के रूप में, लेकिन अभी बस इतना ही समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है संस्थाओं से, एजेंसियों से, देशों से जो ऋण प्राप्त होते हैं वो विदेशी ऋण की श्रेणी में जो आते हैं, वो भी जो है पूंजी जो है बजट का एक हिस्सा जो है होता है। इसके अलावा जो है GPF, NPS, GPF के रूप में, GIS के रूप में जो प्राप्तियां हो रही हैं, NSC के रूप में, तो ये सारी जो है प्राप्तियां भी जो है वो पूंजीगत जो है प्राप्ति के रूप में पूंजीगत पूंजी बजट में जो है सम्मिलित किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है पूंजी गत जो है बजट के अंतर्गत जो प्राप्तियों में जो है सम्मिलित होती हैं। व्यय के रूप में इन्हीं का जो भुगतान होता है तो वो व्यय में जो सम्मिलित हो जाती हैं, जैसे कि सार्वजनिक ऋण का जो भुगतान किया जाता है, और जो GPF PPF के रूप में जो है कहीं से आकर के जमा हुआ हो, दीर्घकाल में जो है एक मैच्योरिटी टाइम पर उसका भुगतान भी करना पड़ता है, कि जैसे कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पर रिटायर होता तो बताते हैं उनके जो है GPF का भुगतान हो रहा है, 25 लाख है, 32 लाख है, 18 लाख है, 12 लाख, तो ये जो है धनराशि समय समय पर उसके आय से कट करके जो है खाते में जमा होता है और एक निश्चित समय के बाद उसे
भुगतान उसका जो है करना पड़ता है। तो सरकार जब उसे प्राप्त करती है तो वो कहीं किसी खाते में जो डंप नहीं करती, बल्कि उसका विभिन्न जो है योजनाओं में जो है भी खर्च किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो विकास में उसको लगाया जाता है, तो जिससे वो पूंजी का एक हिस्सा बन जाती है। तो इस तरीके से जो पूंजीगत जो प्राप्ति और पूंजीगत जो है व्यय इसमें सम्मिलित हो। अब पूंजीगत व्यय को भी जो है पूंजीगत जो व्यय को भी दो भागों में योजनागत और गैर योजना। अब जैसे कोई सड़क का निर्माण हो रहा है, किसी बंदरगाह का निर्माण, तो ये पूंजीगत जो है योजनागत जो पूंजी व्यय होगा। इसी तरीके से अगर वो कहीं पर ऋण के रूप में जो है दिया जा रहा है जैसे राज्य सरकारों को या केंद्र शासित जो प्रदेश के क्षेत्रों को, तो गैर योजनागत जो है पूंजी व्यय के अंतर्गत जो है सम्मिलित होता है। तो यह कुल मिलाकर के बजट के अंतर्गत जो है शामिल विभिन्न प्रकार के मदों का जो है एक विश्लेषण था जो कि आप लोगों को जो है बताया गया। उम्मीद करते हैं कि इसके माध्यम से कुछ चीजें समझ में आई होंगी, और एक बार में कुछ चीजें नहीं भी समझ में आती हैं तो इस पे इस लेक्चर को एक दो बार अगर रिपीट करके देखेंगे तो डेफिनेटली जो है ये चीजें जो है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बजट के प्रकार के माध्यम से कुछ बजट की चीजें क्लियर हुई होंगी, और जो बचा था वो बजट के पक्षों का विश्लेषण से। तो इस पे आधारित जो PDF वगैरह जो है आप लोगों को दिए जाएंगे, उससे जो है चीजों को पढ़ेंगे तो और भी चीजें जो है स्पष्ट और क्लियर होंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में पुनः हम बजट के क्रियान्वित स्तर पर जो है कुछ और भी पक्षों का विश्लेषण करेंगे, ताकि जो है यह क्रियान्वयन नीति के जो है अंतर्गत जो है राजकोषीय या बजटरी पॉलिसी को जो है स्पष्ट रूप से समझना संभव हो सके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में पुनः अगले भाग को लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।